महेंद्र सिटिकेत, आपके किसान नेता हैं यूपी के बहुत बड़े, सिटिकेत बहुत साल पहले, उन्होंने तो शायद शरीर छोड़ दिया है, तो बहुत साल पहले वो ज्ञान सरोवर के थे, ज्ञान सरोवर ने स्टेज पे सबके बीच उन्होंने कहा मैं खुद को बहुत समझदार और बुद्धिमान मानता आया आज तक, मुझे लगा कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो किसी की भी जैसे सत्ता भी हिला सकता हूँ, इतना खुद को शक्तिशाली, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं तो बेसमझ हूँ, मैं नादान हूँ। 70 साल की उम्र हो गई और मुझे आज तक यही पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। ये महेंद्र सिटिकेत के बोले इस 70 साल हो गए मेरे जीवन में, मैं अभी तक अपने आप को बहुत समझदार समझता था, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं तो यही नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, यहां आकर मुझे पता चला कि मैं कौन हूं। जब तक ये रबर नहीं हटेगा तार से, आप कितने भी जोड़ने की कोशिश करो, जितने भी प्रयास कर लो कि लाइट जले, लाइट क्यों नहीं जल रही है, लेकिन तार से जब तक रबर नहीं हटाएंगे करंट आएगी, आएगी। करते रहो कोशिश पूरी, कितने साल हो गए, कर ही रहे हैं भाई, कर ही रहे हैं, इसके पास चले गए, आज हम कृष्ण जी को पूजते थे, अब हमने श्री राम को पूजा, अभी शंकर जी को पूजा, है ना, हमने पूजा की, तो खुद को देह समझ के यदि मैं बैठूं तो सारी लिस्ट बुद्धि में आने लगेगी। हम कहते हैं ना आप बैठो योग में थोड़ी देर, क्या याद आता है, देह और देह से जुड़े संबंध ही याद आते हैं ना। अच्छा आपको मेरे, आप योग में बैठो तो हाँ? मेरा पिता याद आता है, मेरा घर याद आता है, तो क्या याद आता है, आपका ही सब कुछ पूरी लाइन याद आती है ना। तो देह से न्यारा, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने पर ही उस पिता से, क्योंकि आत्मा का पिता है वो, देह का पिता नहीं है, देह के पिता तो हम सबके अलग हैं, लेकिन हम सब आत्मा रूप में हम सबका पिता कौन है, वो एक परमात्मा है। हमारी दादी बहुत प्यार से कहती हैं कि देखो सुबह से रात तक हम मैं है ना करते ना, मैं तो दादी ये पूछती है कि यदि हम इस सिर के लिए पूछें, है ना, ये बालों के लिए पूछें किसके हैं, तो हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ये सिर किसका है, एक बच्चे से भी मैं पूछूं, छोटू इधर आओ, इधर आओ, इधर, कितने साल की उम्र है, हाँ 2 साल के हो, अच्छा चलो ये सुबह का पार्ट पक्का है इसको, वो क्या है, हम सुबह पूछे ना कितने साल की उम्र है, तो माता ने कहा 70 साल की, तो हमने कहा ये आपकी उम्र है या आपके शरीर की उम्र है, तो बेचारी बोला हाँ ये शरीर की उम्र 70 साल है, तो ये ज्ञान में 2 साल में आया तो बोलता है मैं 2 साल का बच्चा हूँ, वाह वाह। अच्छा सुनो ठीक है, तो ये बाल किसके हैं, मेरे शरीर के। अच्छा ये सिर किसका है, आंखें किसकी हैं, शरीर की। नहीं ये आंखें मेरी कहोगे ना आप, ज्ञान से बात नहीं करो, जनरल ये आंखें किसकी हैं, ये हाथ किसका है, मेरा। ये पैर किसका है, मेरा। तो ये पूरा शरीर किसका है, आपका, हाँ माना ये ज्ञानी होने से गड़बड़ होती है ना। तो ये देखो ये छोटा बच्चा भी कह रहा है कि आंख मेरी है, ये नाक मेरा, हाथ मेरा, आप ये क्यों नहीं कह रहा कि मैं नाक हूं, आप नाक हो, मैं कहूँ आप नाक हो क्या, आप नाक हो, आपका नाक है ना, हाथ आप तो नहीं हो ना, हाथ आपका है, ठीक, तो ये सारा शरीर इसका है, तो ये कौन बोल रहा है कि ये शरीर मेरा है, ये नहीं कह रहा कि मैं सिर हूं, मैं नाक हूं, मैं आंख हूं, मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं कह रहा हूं ये मेरा है, बैठो बैठो, है ना, तो ये मेरा है, और इन आंखों से क्या दिखाई दे रहा है, केवल ये मेरा कही जाने वाली, आप आईने के सामने खड़े हो जाओ, आप कहेंगे मेरा है शरीर, तो ये मेरा कहने वाली कौन,
आप देखो किसी का एक्सीडेंट होता है, लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, अब मैं नाम क्या लूँ, बोलेंगे इस फलाने को, चलो राम हम बोल देते हैं कि भाई राम को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर बोलता है जल्दी जल्दी राम को ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। फिर अंदर गए, अच्छा फिर राम मान लो नहीं बचा, अब क्या कहते राम इज गॉन, राम चला गया, अब आप इस बॉडी को ले जाओ। आया था तो राम था, शरीर तो भाई अभी जा रहा है, तो कहते राम चला गया, क्या चला गया, कौन था राम? अब बोलते ये शरीर ले जाओ, बॉडी ले जाओ, और जब तक राम था तो आप बॉडी को घर में रखते थे, अभी राम चला गया तो रखेंगे उसको बॉडी को, तो किसको आप राम कहते थे, किससे प्यार था, किससे बातें करते थे? तो वो मैं आत्मा, है ना?